जी तीनो बढ़ू अब न छूटन किया। बोल खाटू नरेश की वक्र तुम महागये सूर्य को दी शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा सबकी राखियो बोले सच्चे दरबार की जय हो श्याम सरकार की जय हो। एक बार दरबार में जितने भी भक्त बैठे हैं एक ऐसा जयकारा लगना चाहिए कि मोहाने गांव में कीर्तन हो रहा है। अरे तचा भी पी लियो क्या ना, एक बार उठाओ लंबे लंबे हाथ जहां तक आवाज है उठाओ, एक बार सीधे सीधे हाथ सुस्ती नहीं बुलंद आवाज में जयकारा बोले श्याम प्यारे की बोले लक्ष्मी दाता की बोले हारी की सहारे की। क्या बात है, ताली बजाओ हमारे म्यूजिशियन के लिए। सुबह का समय है, ये जो समय हुआ ना इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इस समय में भगवान सो के उठते हैं और पहली नजर जिस भक्त पे पड़ती है उसके बारे नारे सच्चे दरबार की जय हो सरकार की। पांच पांच घंटे गाने से कुछ नहीं, बस 10 मिनट की बात, हर 5 मिनट का समय है। मन जुड़ गया तो समझ लो बेड़ा पार है। दरबार की बैठ जाओ जी प्लीज, 10 मिनट दे दी थी चाय पानी की इबोर गुंज जैसनी। बोले श्याम सरकार की मिल करके हाजिरी लगाते हैं। काफी समय से मंदिर बैठा था, देखा कि जो भजन जिससे बाबा साक्षात ज्योत पे आते हैं अब तक गाया होगा तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जब तक मैं बैठा अब तक मैंने सुना नहीं। इस भजन के बगैर हर कीर्तन अधूरा रहता है श्याम बाबा का। बोली श्याम सरकार की जय हो लख दातार की जय हो। उसी भजन से शुरुआत करते हैं जिसमें साक्षात बाबा ज्योत पे विराजमान होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जिसको जो चाहिए होगा अभी मिलेगा। सिर्फ 5 मिनट के बाद हर बाबा तक अपने मन के भाव दिखाओ। 56 भोग की जरूरत नहीं है, करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, भूखा नहीं चीजों का, ये है भूखा भाव का। जिसके भाव इससे जुड़ गए ना तो समझ लेना बेड़ा पार। सच्चे दरबार की इतने भक्त बैठे हैं यहाँ पे जिनको जिनके घर में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन गरीब के घर में जाता है ये, पैसे वालों के घर में नहीं। महाभारत के टाइम में दुर्योधन के पास सब कुछ था, 56 भोग मेवे उसके त्याग के विदुर के घर पे गए, क्योंकि विदुर ने इसकी भक्ति सच्चे मन से की थी, राजपाट का कोई लालच नहीं था। सच्चे दरबार की आओ, समय है बाबा को खाटू नगरी से बुलाते हैं, मैं भी बुलाऊंगा आप भी बुलाओगे। दरबार सावरिया ऐसो सजो प्यारो टूटी फूटी वाणी है, सोचता हूं कि अगर इससे तुझे रिझा सकता हूं तो आज रिझाऊंगा। सच्चे दरबार की जय हो। लंबे हाथ जहां तक आवाज है मिल करके बाबा को बुलाते हैं। बाबा को कहना बाबा कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज खाने आओ है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की
दो बातें हैं बस, जिसने सच्चे मन से बातें गाली समझ लेना प्रभु आज उसकी झोली जरूर भरेगा। रे बाबा जोत पे सच्चे दरबार की जय हो। दरबार की उठाए परगम फिल्म बिहार दोनों हाथों की ताली लगा के कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, धन को जानो कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात बाबा आज तेरे दरबार में भक्त आए हैं। मोहाने में और भी भक्त है लेकिन ये कृपा आप लोगों पे स्पष्ट हुई है, क्यों बाबा ने आपको चुना है, इसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, यहाँ बैठने की औकात ही नहीं सब हमारे दरबार की जय हो। लंबे हाथ लगाओ ताली मिल करके रस्ता बना दो थोड़ा थोड़ा लगाओ ताली में करके एक साथ आप लोगों को एक बात बताता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग बैठे हो नहीं बैठो, इसको सुनाने में आया हूं और सुना के चला भी जाऊंगा, बस फर्क ये है मेरे भजनों से इस पंडाल में एक भी भक्त की आंख से अगर आंसू है समझ लेना मेरा कीर्तन संपूर्ण है। सच्चे दरबार की श्याम सरकार की उठाए बल्लम बल्लम बिहार, जिन्हें जिन्हें श्रृंगार पसंद आया एक बार हाथ उठाओ ताली लगा के दिखाओ एक बार, और बाबा से कहो बाबा दरबार सांवरिया ऐसा सजो प्यारो, दरबार सांवरिया ऐसा सजो प्यारो, दयालु दरबार आया मुझे पता है कि तू अवगुण वालों को सबसे पहले निहारता है। दरबार की जय हो। यूं ही खाटू नगरी में लाखों श्रद्धालु जाते हैं, करोड़ों की संख्या में भीड़ है, लेकिन अपने मन की बात कोई कोई भक्त है जो मनवा के आता है। आज भी इस संसार में ऐसे ऐसे भक्त हैं कि एक बार बुलाएंगे ठाकुर दौड़ा चलाएगा, ये सच्ची पुकार है, और इतने भक्त बैठे हैं बस एक बार बाबा से कह दो बाबा भजना सुधाने, भजना सुधाने तुम्हारे आज रिझानो है, भजना सुधाने तुम्हारे आज रिझानो है, धन को ले निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज गाने आनो है, कीर्तन की है रात। जो जो मानता है कि ये मेरा पिता एक बार हाथ उठाओ, ये मेरा सब कुछ है आज सब कुछ समर्पण करते हो कि बाबा तू जाने तेरा काम जाने, मिलकर के एक बार कह दो बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझे को निभाए, बालक हूँ मैं तेरो श्याम बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझे को निभाए, बालक हूँ मैं तेरो श्याम तो भीड़े को भरो बने
अरे कीर्तन की है रामा आज तन आणो है कीर्तन की है रामा अरे कीर्तन की है रात बाबा आज तन आणो है तन को निभाणो है बोली श्याम सरकार की बलिहारी की सहारी की ताड़ी बजाओ जी हमारी दीदी के लिए ये जितने पीले गुंडे पैर कांट रही है ना ये इतनी निस्वार्थ भाव से बाबा के चरणों में सेवा लगाते रहते हैं और बंदेपुर धाम के लिए एक बार ताड़ी लगाओ बाबा का भव्य मंदिर निर्माणधीन है जितना हो सके सहयोग करो क्योंकि दान हमेशा ना अगले कर्मों में जुड़ता है सच्चे दरबार की श्याम सरकार की अरे श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा लेकिन सहारे पर हाथ उठाऊं तेरा ही सहारा है तेरा ही सहारा ओ बाबा तेरा ही सहारा है तेरा ही सहारा है अरे दुनिया वाले क्या समझे तेरा मेरा रिश्ता पुराना है भजन पुराना है लेकिन विश्वास की बात है जिन्हें जिन्हें सहारा की लगता है कि ठाकुर ने हर बार मुझे मुसीबत से बचाया एक बार उठाओ लंब लंबे हाथ जहां तक आवाज मिल करके श्याम तेरे भक्तों को श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है विश्वास वाली बात नहीं एक बार हाथ उठाओ लंब लंबे तेरा ही सहारा अरे मिल करके ऐसा तेरा ही सहारा है श्याम तेरे भक्तों को लगाओ ताली श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है इस कलयुग में मुझे पग पग पे ताने मिलते हैं हर वक्त मैं ये सोचता हूं कि मुझे ये जीवन मिला है लेकिन सबसे कठिन मुझे जीवन क्यों मिला हर बार मैं ये सोचता हूं कि बाबा मुझे तुझसे शिकायत है लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास है कि मेरे जीवन के अंतिम मोड़ पे एक बार मेरा सावरा मुझसे जरूर मिल जाएगा श्याम सरकार की और बाबा से कहो बाबा आशा निराशानी भूला परेशान ओ बाबा आशा निराशानी भूला परेशान हो तूने बचाई इसे आखिर मैं इंसान हूँ बाबा तेरे बचाई इसे आखिर
जाने हो। हर वक्त मुझे ये लगता है, ये महसूस होता है कि बाबा कि मेरे जितना जीवन मेरा शेष बचा है वो सारा तेरे चरणों में गुजरे। ये भक्ति तेरी मुझसे ना छूटे, जिस दिन ये भजन मुझसे छूटे वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। सच्चे दरबार की, श्याम सरकार की। आशानी राशानी रे परेशान हो बाबा, आशानी राशानी रे परेशान हो। इतना बचूं से आखिर में इंसान हूं, इतना बचूं से आखिर में इंसान हूं। तेरे बिना उषा नहीं अपना गुजारा है, तेरे बिना उषा नहीं अपना गुजारा है। शाम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। शाम सरकार की जय हो। लखदा तार की जी हो। बोली बंदेपुर धाम की जयकारा लगाए, सीधे हाथ खड़े के लगाए, बोले का बोल है जय हो। बोली लखदा तार की जय हो। अभी आपने नाच के बाबा को बनाया, खूब झूम के बाबा को मनाया आपने, लेकिन आप एक बात बताओ, जिस माँ का पुत्र 14 वर्ष की उम्र में अपना शीश दान में दे सकता उस माँ पे क्या बीतती होगी। अभी आपने खाटू श्याम की कथा सुनी है। इस कथा का मतलब ये नहीं है कि आप इसके दरबार में आओ और खुशियां मनाओ, लेकिन मेरा बाबा सिर्फ भाव का भूखा कोड रखो भी। और आज इसके दरबार में आए हैं, एक बात बाबा से जरूर मांग के जाना कि बाबा अब तक का जीवन जितना मेरा गुजरा है मैं नहीं जानता कितनी गलतियां हुई कितनी नहीं, लेकिन इसके बाद का जो जीवन है वो तेरे चरणों में गुजरे। बोलिए श्याम सरकार की, लखदाता की। और बाबा से कहो कि जैसी भीगे तेरे भक्ति मेरे काम आ जाए, ओ बाबा मेरे अंत समय में जीवा पे तेरा नाम आ जाए। कि बाबा और कुछ होना हो लेकिन मेरा जब अंतिम समय हो उस वक्त मेरी जीवा पे तेरा नाम हो। बोली श्याम सरकार की जय हो। लंबे लंबे हाथ मिल करके कि जैसी भी की तेरी भक्ति, जैसी भी की तेरी भक्ति मेरे काम आ जाए, मेरे अंत समय में जीवा पे तेरा नाम आ जाए। ये छक्कीस के एक बार हाथ उठाओ कि प्रभु साथ हो, लगा के ताली 1 2 3 4 आप इस रुपये और इस जमीन के लिए झगड़ते रहते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ते रहते हो और अपने से दूर हो जाते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा आदमी है जो यह जमीन साथ में लेके गया और ये पीछे साथ में लेके गया? सिर्फ प्यास आ जाती है ये भक्ति और ये अच्छाइयां।
आपने कितनी कमाई है यहाँ पे डिपेंड करता है सच्चे दरबार की। ये धन दौलत ये माया, ये पंच तत्व की काया, ये धन दौलत ये माया, ये पंच तत्व की काया। सब छोड़ यही है जाना, कब किसने साथ निभाया, सब छोड़ यही है जाना, किसने कब साथ निभाया। जब कम निकले मुझे लेने, जब कम निकले मुझे लेने, जब कम निकले मुझे लेने, मेरा शाम आ जाए, मेरे पंच समय में जब आप दे ठाकुर से बना के जाते कि बाबा आज के बाद मुझे ये मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, बस मैं ये जानूंगा कि मेरी लोत उससे लगी सच्चे दरबार की। जब तक है ये मत देखो आस पड़ोसी को ना देखो, बस ये देखो मैं और मेरा ठाकुर है। अब तक जितनी बात मैंने की है, लेकिन अभी मैं अपने मन की बात करके जाऊंगा श्याम सरकार की, लख दातार की। एक बार उठा लो लंबे लंबे हाथ, आ जाओ सबैया, दरबार की कितने भक्त जो सुन रहे आठ आइयो सच्चे दरबार की, दोनों हाथों की ताली लगाओ और मिल करके बाबा से कहो मुझे अपने ही रंग में कई बार ऐसा होता है इसके दरबार में ये जुबान काम नहीं करती, ये आंखें काम करती है। इसको पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए। जय हो। इसके दरबार में पांचों की झोलियां भरी हैं, निर्धन से निर्धन अमीर हुए हैं और अमीरों का घमंड टूट के वो निर्धन भी हुए हैं सच्चे दरबार की। जय हो। एक बार तो ये अपने भक्त को ऊपर तक पहुंचा देता कि देखो तू कितना चढ़ेगा, फिर एक बार मैं समूह दादे का मारा है नीचे उसका घमंड अपने आप सच्चे दरबार की। जय हो। ऐसी घमंड की बात एक बार द्रौपदी ने की थी कि भाई कदे मेरे घर आ ये रोटी खान घमंड में। तब कृष्ण ने कहा था आऊंगा बेबे टाइम आ लंदे, वो टाइम आया लेकिन कब आया जब वनवास मिला हुआ था। जय हो। वनवास में उसकी झोपड़ी में जाकर बोला ले खावा रोटी, शर्मिंदगी के मारे आंख नीची होगी। उसका वो बोल याद आया कि हाँ मैंने अपने भाई थे एक बार घमंड के मारे गई थी भाई मेरे घर खान खान आइए। गई उस आंटी में देखा एक चावल का तिनका, आप नीचे कर रही है रोने लग रही है। ठाकुर बोला क्यों हुआ बेबे? बोली भाई मैंने माँ फेंक दे दे, मैंने घमंड का बोल उस टाइम पे तेरे ही सामा रहा था कि उसका पश्चाताप मैं अब तक कर रही हूँ। नो बोला कोई बात नहीं जित शिशु दर्जा वाड़े ठीक, आज तने इस बात का एहसास हो गया
मैं नहीं से बात की समायर यो एक चावल का तिनका यो मेरी संतुष्टि के लिए बहुत है सच्चे दरबार की जय हो लखदातार की जय हो। परीक्षा लेता है लेकिन जो परीक्षा में पास होता है ना उसे बना भी लेता है। सिर्फ दो दो सेकंड की बात है यहाँ इतने बड़े पंडाल में अगर आप समझोगे कि सामने वाले प्लास्टिक की मूर्ति है गलत है। इस पंडाल में ठाकुर साक्षात विराजमान होते बस महसूस करने वाला होना चाहिए सच्चे दरबार की जय हो। आ जाओ सवरिया जिन्होंने आज बाबा को साक्षात अपने घर में विराजमान करवाया है और बाबा सुनते भी हैं। जो निस्वार्थ भाव से इसके चरणों में लगता है ना उसको बाबा सुनता भी है। अरे झोली भरने वाले ऋषियों ने यही कहा है तुम्हें यही लिखा है ऋषियों ने यही कहा है ऋषियों ने यही कहा है वेदों में यही लिखा है ऋषियों ने यही कहा है वेदों में यही लिखा है। तेरा स्मरण करते करते जिसने जग छोड़ दिया है तेरा स्मरण करते करते जिसने जग छोड़ दिया है ऋषियों ने यही कहा है वेदों में यही लिखा है कि तेरा सुमिरन करते करते जिसने ये जग छोड़ दिया है क्या होगा उस वक्त जब दम निकले मुझे लेने यो मेरा शाम आ जाए मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। बाबा 10 बजे कीर्तन शुरू हुआ था अब यो समा आ गया मांगने की गुंजाइश नहीं रही जो मन चाहिए मेरी झोली में डाल दो बस। अरे इस पंडाल में कोई सच्चे मन से बैठा है कोई दुखी मन से बैठा है प्रभु से दुआ करो कि बाबा मेरा सुख का समय चलता रहे और मेरे दुख के समय का अंत हो सच्चे दरबार की जय हो। आ जाओ सवरिया आ जाओ सवरिया आ जाओ आ जाओ सवरिया आ जाओ। बड़े बड़े महान संतों ने बड़ी मेहनत की थी ठाकुर को पाने में यूं ही किसी के दरबार में नहीं आता सच्चा भाव होना जरूरी है। कभी ये नहीं सोचता कि मेरे भक्त के पास क्या है बस आपके मन में इसके नाम की एक भक्ति की लो जरूरी है बस ठाकुर वहीं चले आते सच्चे दरबार की जय हो। यूं ही महाभारत में विकराल रूप नहीं दिखाया था बोले श्याम सरकार की जय हो। विजय भाई एक माता जी का भजन क्योंकि माता साक्षात में विराजमान हो चुकी है बोल सच्चे दरबार की बोले श्याम सरकार की। आओ एक हाजिर इस महामाया के चरणों में जिसने आज पूरे संपूर्ण इस संसार को अपने हथेली पे रखा है। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मैया Yeah.
मतवाली हो विजय भैया, माई रानी ना हमेशा 10 साल से कम के बच्चों में विराजमान होती है। ये माई रानी की 64 योगनियां हैं, 64 योगनियां हैं जो संसार में इस संसार के कल्याण के लिए माई रानी के आदेश से आती हैं। बोल सच्चे दरबार की। इस ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला दर्शन जो होता वो पुजारी को होता मंदिर के। आप देखते हो ना, चार बजे पुजारी नहा धो के मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है, या जो भी अपना देवी देवता है उसको पता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में ही बाबा ज्योत के अवतार वो पुजारी अपने हाथों से पूजा करके प्रभु को जगाता है और पहला दर्शन हासिल करता, ताकि मेरा अगला जन्म भी सफल हो। सच्चे दरबार की। और मैंने तो आपको साक्षात दर्शन दिए। बोले श्याम सरकार की, बोले सच्चे दरबार की। मिल करके कहो
तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया मैं आया शेरा वाली जोर से बोलो जय माता दी अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वाली साचो जोत वाली माता तेरी सदा दरबार की जय हो बोले श्याम सरकार की जय हो। इतने भक्त थे जिसको जाना था वे जा चुके हैं। ये वो भक्त है जब दही बिलोते हैं ना और मक्खन निकलता है उसी वक्त ताजी मक्खन जो होता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है। और ये भक्त जो बैठे हैं जो दही थी वो जा चुके हैं लस्सी थी ये वो भक्त है जो मक्खन बन के अब बैठे हैं सच्चे दरबार की जय हो। और 4 बजे की जो आरती होती है ना जो इस नसीब वाला होता है या किसी के भाग्य में होती है बोले श्याम सरकार की जय हो। और देखिए भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए और ये मैया रानी के रूप में आप सभी भक्तों को दर्शन दिए हैं। बोल सच्चे दरबार की बोले मैया रानी के प्यार की सहारी की बोले लख दाता की बोले हरी की सहारी की लख दाता की बोले तीन बाण धारी की बोले इलावती के लाल की आई अंतिम हाजरी। उसके बाद एक छोटा सा भजन और आपसे इजाजत चाहूंगा। तू तेरे कर्म से भी नया मुझे इस बात का गम नहीं है कि मौत आएगी वो तो आएगी ये तो निश्चित है लेकिन मैंने अपने जीवन में तेरी भक्ति कितनी की है ये जरूर मायने है। बोली सच्चे दरबार की तेरे कर्म से भी नया कौन शीशे मिली नहीं झोली ही मेरी तंग थी पर तेरे यहाँ कमी नहीं पुकारे सधना तो दौड़ कर जाना मैं पुकारू तो कहना सिमरण करूं कि पुकारे सधना तो दौड़ गए जाना मैं पुकारू तो कहना सिमरन करूं एक से मिलना एक से टाल मटोल ये तो उस्ताद योग रस्ते हैं। कई बार भक्त ऐसा होता समय था ऐसा आ जाता है कि हम ठाकुर को दोष देने लग जाते हैं कि तेरी वजह तो होया है लेकिन हम ये नहीं समझते कि आज जो ये समय आया है ये हमारे पुराने कर्मों का
फल है जो आज हम भोग रहे हैं। और ठाकुर से कहो हंसा के क्यों रुलाए रे, क्यों रुलाए रे कन्हैया, सरकार की बाबा हंसा के क्यों रुलाए रे, क्यों रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे। मैं तुझे भी भूल जाता हूँ, लेकिन समय की एक ऐसी परीक्षा होती है उसी वक्त तू याद आता है। हम कई बार सुख में प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक दुख का समय ऐसा होता है कि तभी ठाकुर याद आता है। बोली श्याम सरकार की, बोली लख दातार की, आओ उठाओ एक बार लंब लंबे हाथ मिल करके, ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे, श्याम सरकार की क्या श्याम सरकार की ये हो। बोलिए बंदेपुर धाम की।
बस इसके बाद बस वो चलाओ। बोले श्याम सरकार, एक बार ताली बजाओ हमारे कैमरामैन के लिए, मोरवी नंदन प्रोडक्शन बजा लो ताली। उसके कैमरे में सारा आवे है कौन आठ ठारे को, एक बार हाथ आवे एक बार लंबे लंबे। बोले श्याम सरकार की, साउंड वाले भाई के लिए ताली बजाओ और हमारे म्यूजिशियनों के लिए भी जो बड़ा सहयोग कर रहे हैं, और इस पूरे मंडल के लिए भी ताली बजाओ। बंदेपुर धाम निर्माणधीन, जितना हो सके सहयोग करो। बोले श्याम सरकार की, हमारी माता जी के लिए भी ताली, और हमारे सुनील भैया जो हमारे इस ग्रुप के प्रधान हैं, और बंदेपुर में बाबा श्याम साक्षात विराजमान हैं। आप एक बार जाओ दर्शन के लिए, जरूर जाओ, दर्शन मात्र से ही कल्याण होता। बोले श्याम सरकार की, बोले लखदाता हर की। श्याम चूड़ी बेचने आया, जो कुछ इस समय नहीं है जी, थोड़ा सा उनकी फरमाइश थी। बोले श्याम सरकार की, बोले लखदाता हर की। आओ जी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक छोटी सी बच्ची हरियाणा की सबसे बड़ी भक्त हुई है करमा बाई। किने किने नाम सुना करमा बाई का, एक बार हाथ उठा के बताओ। किने किने नाम सुना एक बार करमा बाई का, हाथ उठा के दिखाइयो। क्या बात है। बोले सच्चे दरबार की, और जितने भक्त हैं आज यह कहानी सुना कर जाऊंगा, जरूर ध्यान से सुनिया। बोले श्याम सरकार की, एक छोटी सी बच्ची हरियाणा की सबसे बड़ी भक्त हुई है करमा बाई। उसके पिता हर रोज ठाकुर का भोग लगाते थे, लेकिन किसी कारणवश उसको काम से बाहर जाना पड़ा, और अपनी छोटी सी बच्ची को कह के गए कि जब तक मैं वापिस ना आऊं तूने ठाकुर का भोग लगाना है। अब छोटी सी बच्ची को क्या पता कि ठाकुर का भोग कैसे लगाती है। रसोई में गई, थोड़ा सा बाजरा रखा था, खिचड़ा बना के ठाकुर के सामने रख दिया, और कहने लगी बाबा भोग लगा, बाबा भोग लगा। लेकिन उस बच्ची को पता नहीं कि इस ठाकुर को अगर बुलाना है ये मन के भाव सच्चे होने चाहिए, तभी जाके भक्त और प्रभु के बीच में मिलन होता है। बोले श्याम सरकार की जय हो। अब वो खिचड़ा बना के उसने बाबा के सामने रख दिया और काम करने चली गई, और फिर आए 10 मिनट के बाद उसने देखा कि खिचड़ा ऐसी रखा है, और गुस्से से बाबा को कहने लगी ऐसी क्या बात थी उसके खिचड़े में कि उस कि ठाकुर साक्षात आए वो खिचड़ा खा के गई। बड़ी प्यारी कहानी है वो करमा बाई, छोटी सी बच्ची बाबा को कह रही है। अब वो खिचड़ा बना के सामने रख दिया और बाबा से कहती बाबा करमा बेटी जा तेरी उस कर्मा की पतला थियो यो मारा था कुवारोशा। अब वो खिचड़ा बना के बाबा के सामने लाई और बाबा से कहने लगी बाबा थाली भर के गई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, अरे जी मम्मी रो शाम धनी अजमावे बेटी जाते रे। बड़ी प्यारी कहानी है, एक बार हाथ उठाओ मिलकर के, आज बाबा को भोग लगाते हैं मिलकर के, थाली भर के थाली भर के के भरोसे बैठ रहे हो
पता नहीं ठाकुर परीक्षा लेता है ऐसे नहीं आता। अब वो डंडा ठाके कहने लगी इसने खा लिया छतरिया नकरड़े मार दूंगी। और वो खिचड़ा बाबा के सामने रखा और बाबा से कहने लगी तू जी मैं ते जद मैं जिमो तू जी मैं ते जद मैं जिमो अब उस बच्ची को पता नहीं कि बाबा का भोग लगता है तो कुर्ते की ओट में लगता है। अब पहले के जमाने में दामन पहनते थे। अब उस लड़की ने दामन पहन रखा है और दामन से ऐसे ओट करके खड़ी हो गई। बस एक ये बात थी जो ठाकुर के मन को भागी और ठाकुर दौड़ा चला आया। ठाकुर का भी डर हो गया हरियाणा के कदम आ रहे थे नौकर तो चाल पड़ और ठाकुर जी साक्षात विराजमान हुए और वो खिचड़े का भोग खाया और उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह ये दृश्य देख रही कि जो काम मेरे पिताजी ने 10 साल में नहीं किया वो मैंने 5 मिनट में किया। पर्दा खोल करके खड़ी है और देख रही कि ठाकुर खाना खाने लग रही है पर तो भूल गई सांवरिया पर तो फिर लगायो जी पर तो भूल गई सांवरिया पर तो फिर लगायो जी अरे पर तो की ओ तो है शाम की चिड़ो पायो जी पर तो की ओ तो है शाम की चिड़ो पायो जी। अब खिचड़ा खा लिया बाबा ने और आशीर्वाद दिया करमा भाई को। क्या आशीर्वाद दिया? जब तक ये संसार रहेगा करमा भाई तेरा नाम रहेगा। और वो भी हाथ जोड़ के खड़ी होती बाबा मेरे से गलती होगी कि मैंने तुझे डंडा लेके डांट दिया और बाबा से कहने लगी घोड़ा भाड़ा भगत से बाबा हो घोड़ा भाड़ा भगत से बाबा ये कहानी उस कर्मा बाई की थी। ठाकुर ने भी उसको आशीर्वाद दिया कि जब तक ये संसार रहेगा कर्मा बाई तेरा नाम रहेगा। और एक बात और कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो भक्ति भाव से पूर्ण हो मैं हर्ष हर्ष गुण गावे लो। लेकिन अरे साचो प्रेम प्रभु से हो तो या मूर्त बोले काट की। हमने सोचो ना वो मूर्ति है वो साक्षात बाबा है वो पिता है हमारा। दुख सुख रो तो उसके सामने इस पब्लिक के सामने क्या रोगे रो के सुन लेके हंसके उड़ा देगी सच्चे दरबार की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो या मूर्त बोले काट की।
अरे जी मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाटकी मावे बेटी जाटकी। ये गाने शर्मा बाई की थी, छोटी सी बोले श्याम सरकार की। आओ एक फरमाइश हमारे भाई की। बोले हरे के सहारे की। एक बार जितने भक्त हैं तुम हाजरी हाथ उठाओ, आंखें बंद करके बाबा की छवि मन में ले आके सच्चे मन से सच्ची पुकार से एक जगह लगाओ। बोले खाटू नरेश जी लख दादारी की, बोले हरे के सहारे की, बोले तीन बाण धारी की, बोले जिंदगी बदलने वाले की। आओ मिल करके ठाकुर आज तेरे दरबार में इतने भक्त आए हैं और मिल करके बाबा से एक पुकार करते हैं। दीनानाथ मेरी बात छाने को नहीं तेरे से, हो दीनानाथ मेरी बात छाने को नहीं तेरे से, आखड़ली चूरा कर बाबा जाओ कैया तेरे से। अरे खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, बंदेपुर वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, ओ श्याम प्रभु रूप तेरा नैना में समा गयो, अपने मन की बात इच्छा पूरी करवाते हैं। आओ मीठी मीठी ताली के साथ। खाटू वाला श्याम तेरी शरण में हरी की गर्भ में तुझे
ये सामने मोर खड़ी का ठाड़ा है, जाते वक्त एक बार जरूर लगवाना। श्याम सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। बोले बाबा से कहो बाबा, बालक हूँ मैं तेरो श्याम, मुझे तो बालक हूँ मैं तेरो श्याम, मुझे तो निभाए ले। बालक हूँ मैं तेरो श्याम, मुझे तो निभाए ले।